नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें पहली खबर हम आपको बता देते हैं, दिल्ली में चल रही कांग्रेस की बैठक से जुड़ी है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी मौजूद है। दिग्गजों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा को लेकर मंथन किया जा रहा है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार नवाचार कर रही है और आज जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में संभाग स्तरीय बैठक आज होने जा रही है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां प्रदेश में अब 5 साल पर सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट ने बुधवार को पीएससी भर्ती परीक्षा 2021 की जांच की सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीन खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं, यानी कि पहली खबर, जिस तरह से न्याय पर मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालेगी और इस यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कहा जा रहा है। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक भी चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, पार्टी प्रभारी, संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में भारत न्याय यात्रा की तैयारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। यानी बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला समेत सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई थी और अब पार्टी 14 जनवरी यानी कि 2024 से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली, लेकिन इस बीच ये भी खबर कि आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, राष्ट्रीय गठबंधन समिति की भी आज महत्वपूर्ण बैठक है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खासतौर से समिति अपनी रिपोर्ट भी आज सौंपेगी और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये जानकारी जरूर दीजिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ, दूसरी तरफ न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला क्या तय हो गया है। INDI गठबंधन को लेकर लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था तो उससे लेकर भी क्या इसमें चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के तैयारियों के संदर्भ में बैठक है और इसमें निश्चित तौर पर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर भी चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम को एक बार फिर से इंडिया अलायंस कमेटी की बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है और उससे पहले जो है आज अलग अलग प्रदेश के, चूंकि इकाइयों के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए, प्रभारियों की बात की जाए, महासचिवों की बात की जाए, ऐसे में आज जो है तमाम अलग अलग प्रदेश की इकाइयों से जो है एक रिव्यू जो है होता हुआ नजर आ रहा है, उनसे फीडबैक जो है लिया जा रहा है किस तरीके से जो है सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है या फिर किस तरीके का निर्णय लेना है। तो जो मुख्य एजेंडे इस बैठक के हैं वो पहला कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आए, रणनीति किस तरीके की रहेगी, और दूसरा कि भारत न्याय यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी आने वाले समय में निकालते हुए नजर आएंगे तो वहां पर नेताओं की ड्यूटी किस तरीके से लगाई जाएगी, क्योंकि इस बार हाइब्रिड तरीके से जो है यात्रा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो तमाम एजेंडों को लेकर फिलहाल इस वक्त एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कल भी ये बात सामने आई थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि INDI गठबंधन में पहले बातचीत हो रही थी कि 10 राज्यों से सहमति बन गई, लेकिन उसके बाद फिर ये बात भी सामने आई कि 9 राज्यों में सहमति बन रही, दूसरी तरफ पंजाब से संभावनाएं कम नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ये भी बात करें कि संयोजक के तौर पर अगर नाम देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार के नाम पर फाइनल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेच है जो फंस रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर चर्चा रहेगी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, मसलन की आम आदमी पार्टी पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके के बयानबाजी जो है निकल कर सामने आती है। भगवंत मान कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, इस तरीके की बयानबाजी है। वहीं जो है हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि हम अकेले सक्षम है लड़ने के लिए। ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया अलायंस
बेंच की तमाम गठक हैं या फिर कहें कि तमाम जो दल है वो अपने अपने राज्य में क्या वाकई सीट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। मसलन की जहां एक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में बीजेपी 700 सीट जो है जीत कर आई है, तो यहां पर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ती है? ये तमाम जो सवाल ये निशान है वो लगातार जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस खुद किस तरीके से सक्षम हो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से, उसी को लेकर फिलहाल जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो कांग्रेस लगातार बनाती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल इस पर ये भी समझना चाहेंगे न्याय यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरुआत की थी उसका काफी समर्थन मिला था, वो अच्छे से हो पाई थी, सफल हुई थी, और इसके बाद न्याय यात्रा पर किस तरह से फोकस करने जा रही है, किस तरह से खाका तैयार करेगी, कितने लोगों को जोड़ेगी और किस तरह से सफल बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही। देखिए बिल्कुल इस बार न्याय यात्रा की बात करें तो एक बड़ी तैयारी जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय है, ऐसे में न्याय यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी जिस तरीके से इस बार हाइब्रिड मॉडल पर जो न्याय यात्रा है वो करते हुए जो है नजर आएंगे और तमाम नेता उसमें किस तरह की जिम्मेदारी जो है निभाते हुए नजर आ सकते हैं। जो कांग्रेस लगातार मसले उठाती हुई नजर आती है जिसमें जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, ऐसे तमाम मसले हैं जो कांग्रेस जो है इस यात्रा के माध्यम से उठाना चाहती है, जिनका सीधे तौर पर फायदा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया। तो इसलिए जो है लगातार बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और चूंकि इस बार हम देख रहे हैं कि मणिपुर से शुरुआत होगी, महाराष्ट्र में खत्म होगी, इस बीच में छत्तीसगढ़ भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, हाल में यहाँ पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ गंवाती भी नजर आई थी, तो इस तरह की परिस्थितियां ना हो और एक पॉजिटिव संदेश जाता हुआ नजर आए, कार्यकर्ता जो है एक साथ जाता हुआ देखेगा या नहीं फिलहाल देखना होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर, मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले सवाल यही कि मिशन 24 पर कांग्रेस पूरी तरह से उसकी राह पर निकल चुकी है, एक तरफ न्याय यात्रा पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार INTI गठबंधन पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस अब या इंडिया गठबंधन के घटक दल अब ये संकेत देने लगे हैं कि वो एक्टिव हैं। हालांकि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर वो तो पूरा हो चुका है, तो उसके बाद ये तोहमत लग रही थी कि अब तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई, तो उससे बचने के लिए सीट शेयरिंग पर बात हो रही है ऐसा रोज मैसेज दिया जा रहा है। इसी तरीके से बैठक भी हो रही है, एक्टिविटीज भी हो रही है, तो जो पहले बहुत लंबे समय से इंडिया गठबंधन इनएक्टिव हो गया था वो अब एक्टिव है और सबको लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर के जो बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव है और एक तरह से उसको चुनावी मौका बना दिया है, तो उसके जवाब में अब विपक्ष को भी हर दिन मीटिंग करनी होगी, कोऑर्डिनेशन करना होगा, नए नए कार्यक्रम लेने होंगे। तो इसके लिए इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के भीतर जो आज बैठक होने वाली है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है संगठन को सक्रिय करने के ख्याल से, और संगठन की इंडिया गठबंधन में कैसे सक्रियता रहेगी एक दूसरा मोर्चा उसके ख्याल से। बिल्कुल INTI गठबंधन की आपने जिक्र किया उसको छेड़ा है, तो कहीं ना कहीं संयोजक की अगर हम बात करें तो उसके पहले अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया, इसके बाद नीतीश कुमार का नाम सामने आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उद्धव का साथ तो नीतीश को मिल रहा है लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए नीतीश कुमार का विकल्प है नहीं इंडिया गठबंधन के पास, नीतीश कुमार पूरे हिंदी बेल्ट के नेता हैं, ममता बनर्जी चाह करके भी उनका विरोध नहीं कर सकेंगे, इसलिए रास्ते निकाले जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप किसी और नेता के पास हो, मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो, क्योंकि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के नाम पर सहमत हो सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे भी हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेटर वाला रोल तो नीतीश कुमार को मिलेगा ये तय है। अगर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा ऐतराज करेंगी तो दो कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल दो कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं या एक ही नाम पर सहमति बनती है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी बातचीत करने के लिए। तो न्याय पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की अहम बैठक होने जा रही है, तो मिशन 2024 पर फोकस है और ये बैठक अहम भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष, महासचिव, विधायक दल के नेता, पार्टी प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह अहम बैठक और 32 राज्यों से मिले लोकसभा सीट पर
आकलन जो किया गया उसकी रिपोर्ट के आधार पर चर्चा भी हो रही है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। न्याय प्रबंधन के बाद जिक्र ग्वालियर का, जहां समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ग्वालियर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम आपको बता देते हैं, डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले लाल टिपारा गौशाला पहुंचेंगे और वहां विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मेला परिसर पहुंचेंगे, ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 5:10 पर राजस्व भवन के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर ग्वालियर संभाग की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो ग्वालियर में कल जिस तरह से जबलपुर संस्कारधानी में मौजूद थे डॉक्टर मोहन यादव, आज ग्वालियर में खास तौर से फोकस होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनट बाद ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुर पहुंचेंगे और शहर में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं जिसमें शिरकत करेंगे। तो सड़क मार्ग से गोलेका मंदिर चौराहे से जन आभार यात्रा में भी शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद टिपारा गौशाला के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, ग्वालियर व्यापार मेले का भी उद्घाटन होना है। इसी कड़ी में वो वहां पहुंच रहे हैं, शाम को चंद्रवदनी नाका के समीप स्थित राजस्व भवन के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर ग्वालियर में संभाग की कानून व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे। तो विकास कार्यों की समीक्षा और कई स्थानीय कार्यक्रम जिसमें शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। इसके बाद भोपाल के लिए प्रस्थान भी देर रात कर जाएंगे और जल्द ही पिछला दौरा शुरू हो जाएगा। तो ग्वालियर में आज समीक्षा होने जा रही है। इसके पहले संस्कारधानी यानी जबलपुर को कल चुना गया था। जबलपुर में अहम बैठक हो रही थी, कई विकास कार्यों की सौगात जबलपुर वासियों को दी गई थी और अब आज विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं ग्वालियर। ग्वालियर उसे चुना गया है। तो बीजेपी यहां पर पूरी तरह से फोकस है ग्वालियर अंचल में। जिस तरह से अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी का साथ जनता ने दिया है, तमाम वो वोटर्स सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आई और ऐसे में पूरी तरह से अब बीजेपी आभार, इसके पहले भी सीएम पहुंच चुके हैं, ग्वालियर पहुंचे हुए थे और आभार जताते हुए नजर आए थे और अब एक बार फिर से आभार यात्रा के जरिए आभार प्रकट करने की भी कोशिश और ग्वालियर में कह सकते हैं कि कई तरह के विकास कार्यों की समीक्षा होगी। दूसरी तरफ अगर ग्वालियर को भी देखें और समझें तो लगातार यहां पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा, क्योंकि क्राइम का जो ग्राफ है वो भी यहां पर लगातार बढ़ रहा है, तो इसे लेकर भी पूरी तरह से एक्शन मोड में सीएम दिख रहे हैं। हालांकि अभी इसके पहले लगातार सीएम ये कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट किया जाएगा और सतर्कता एक्टिवनेस लगातार सीएम की दिख रही है और यही वजह है कि ग्वालियर चुना गया। तो ग्वालियर में आज समीक्षा बैठक होने जा रही, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और खासतौर से फोकस कानून व्यवस्था के साथ साथ जन आभार यात्रा और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। जावेद खान, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। जावेद, जिस तरह से बात करें खासतौर से अब शुरुआत हो रही है एक्टिवनेस की, इसके पहले भी लगातार कह रहे थे सीएम की, अब संभाग स्तर जिले स्तर अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर शुरू होगा पूरे मध्य प्रदेश में और ये शुरुआत जबलपुर से भी हुई, कल हमने भी देखी है तस्वीरें और आज ग्वालियर में खासतौर से किस तरह का कार्यक्रम है और अब क्या अपडेट इसमें सामने आ रहा है कि किस तरह की कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अब। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव अभी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही वो ग्वालियर के जो गोला का मंदिर से एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी जो कि लाल टिपारा एक गौशाला है उसका उद्घाटन किया जाएगा। गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक मैसेज देने की बात की जा रही जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री जो लोकसभा पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री और जो स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीनों लोग साथ में रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही फिर ग्वालियर का जो व्यापार मेला है वो काफी 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है लेकिन आज उसका औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा और सबसे खास बात है कि जो संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक होगी उसको दो हिस्सों में बांटा गया है जिसमें शाम को 5:10 से जो कानून व्यवस्था ग्वालियर चंबल संभाग की है उसको लेकर बैठक होगी और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर जो ग्वालियर के निर्माण और विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाएगी जिसके तहत जो
गौशाला के संरक्षण के साथ साथ जो एलिवेटेड रोड है, एयरपोर्ट का जो निर्माण है और जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है और जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, एलिवेटेड रोड के साथ एयरपोर्ट और जो ब्रिज है, फ्लाईओवर जो लंबे थे, उन सबको उनकी समीक्षा की जाएगी, वन टू वन अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि आखिर इसमें विलंब कब हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है, जनता से जुड़े काम है और उसमें कुछ असुविधाएं भी हो रही हैं, स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा होगी। इस तरह से बहुत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी और कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक की जाएगी कि उनका जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका कोऑर्डिनेशन स्थानीय मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से बैठाया जाए, इस बारे में ये बैठक है और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल, ग्वालियर को भी अगर देखें तो इस लिहाज से इसके पहले नाराजगी कई बार जता चुके हैं सीएम, और कानून व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से बैठकें होने जा रही, क्योंकि ये वो इलाका जहां पर अभी हाल ही में बम्पर सीटें भी ग्वालियर अंचल से बीजेपी को मिली, यानी एक तरह से साथ मिला है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसको टाइट करने के लिए किस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा होगी, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, कानून की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो कानून की स्थिति है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही है, जन सुनवाई में भी सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, अधिकारियों को कहा गया है कि वो मौके पर मौजूद रहें। तो जो कल इसी बात को लेकर जो पूरे जो ग्वालियर चंबल संभाग के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, जिसमें एडिशनल डीजी से लेकर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त सभी लोग मौजूद रहे और सबने अपना अपना पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इस तरह से होमवर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर मोहन यादव है उनका जो लहजा है वो बहुत सख्त माना जाता है और किसी भी अधिकारी को कोई वो बख्शते नहीं है, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारी भी लगातार टाइट हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो ग्वालियर के कलेक्टर और जिला प्रशासन है उन्होंने भी अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर मुख्यमंत्री कोई जानकारी तलब करते हैं तो उसका मौके पर जो संबंधित अधिकारी है, नोडल ऑफिसर है, उसको जवाब देना होगा। तो इस तरह से एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और इसमें कहीं पे भी चूंकि अभी जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी तो उसमें भी जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने एक एक ट्रांसपोर्टर से बैठ के बातचीत की और कहा कि जो ग्वालियर में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन पर व्यापारियों पर, ट्रक ड्राइवर्स पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सख्ती से समझा भी दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर सब जगह पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलिटी बनी रही, आपूर्ति रही, सब्जियां भी समय पे आती रही, खाद्य सामग्री भी मिलती रही। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर ने अपना एक वीडियो जारी करके आभार भी व्यक्त किया। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि एक मुख्यमंत्री के जो कड़क एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा है, जिसकी वजह से अधिकारी भी कॉप में है और लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें मैनेज करना है और मुख्यमंत्री के सामने जो पहली बार जो बैठक हो रही है उसमें किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। तो बिल्कुल, किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है और अलग अलग जिम्मेदारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि तय हो गई है, चाहे वो संभाग स्तर पर कह ले, जिले स्तर पर कह दे या विभाग स्तर पर, पूरी तरह से मुस्तैदी, एक्टिवनेस साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में समीक्षा आज होने जा रही है, कई कार्यक्रम तय किए गए, स्थानीय कई कार्यक्रम है जिसमें शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, और अलग अलग विभागों की लगातार समीक्षाएं भी चल रही हैं और ग्वालियर आज खासतौर से चुना गया है, ग्वालियर मेले का भी उद्घाटन आज होना है, तो कानून व्यवस्था की भी समीक्षा आज होनी है और विकास कार्यों की भी अहम बैठकें। और चलिए आज ग्वालियर में समीक्षा के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां एक बार फिर से सीबीआई आने वाली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एंट्री होगी। राज्य की बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल से सीबीआई पर लगी रोक हटा दी है। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट ने बुधवार को पीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के जांच की सीबीआई जांच का निर्णय लिया। इसके लिए अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ये भी आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 से सरकार ने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, यानी राज्य बनने के बाद 18 सालों के दौरान सीबीआई की ओर से आधा दर्जन मामलों की जांच अब तक की जा चुकी है। इनमें रामावतार जग्गी हत्याकांड हो, बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक, छुरा के उमेश राजपूत की हत्या, एसईसीएल कोल घोटाला हो, आईएएस बीएल अग्रवाल रिश्वत कांड का मामला हो, या फिर भिलाई का मैग्नीज कांड हो, पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त की कथित अश्लील सीडी कांड की भी जांच इसमें शामिल है, वो सभी पूरी हो चुकी हैं। और इस निर्णय को लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। सीजीपीएससी 21 की जांच पर पूरी तरह से
तत्कालीन चेयरमैन की जब बात आई तो ये भी कहा गया कि आधा दर्जन रिश्तेदारों का चयन का भी आरोप लगा था और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदारों के बेटे बेटियों की नियुक्ति पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। तो सीजीपीएससी का ये पूरा मामला जब एक बार फिर से सीबीआई की अब इसमें एंट्री होने जा रही है तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने तल टिप्पणी भी की थी और मेरिट लिस्ट में रोक लगाने की भी बात कही गई थी। तो कई तरह के घोषणा पत्र में वादे थे लेकिन ये वादा भी था कि जैसे ही सरकार अगर बनती है बीजेपी की तो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी का जो मामला था जिस पर आरोप और गड़बड़ी की आशंका थी उस पर एक बार फिर से वो सवाल जो लगे थे उससे सीबीआई की एंट्री करा दी जाएगी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्वप्निल, अब कई तरह की बातें जिस तरह से हुई, कई तरह के आरोप सीजीपीएससी में लगे रिश्तेदारों को और उनके बेटे बेटियों को, ये कहा गया कि परीक्षा में सिलेक्ट करवाया गया, मेरिट में जो बच्चे आए थे उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा और इसके बाद अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई की जाँच जब होगी तो कौन कौन इसके दायरे में आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 2021 सीजीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी, तो अब जो है सीबीआई जल्द ही जो है छत्तीसगढ़ आकर इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। और विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इसमें जो है चेयरमैन जो पीएससी के चेयरमैन थे टामन सुनवानी उनके रिश्तेदारों को जो है नियुक्ति देने के आरोप लगे थे। इसके साथ ही कांग्रेस के कई रसूखदार जो है जो उन पर भी आरोप जो है उनके करीबी रिश्तेदारों को नौकरी दिए जाने के आरोप जो है भाजपा ने लगाए थे। तो अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करेगी, जल्द ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री होगी और राज्य शासन जो है केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखेगी कि जल्द सीबीआई छत्तीसगढ़ आकर इस पूरे प्रकरण की जांच करे। तो 2021 प्रकरण में पूरे जो प्रक्रिया भर्ती जो हुई थी सीजीपीएससी की उसकी पूरी जांच जो है वो जो है सीबीआई करते हुए नजर आएगी। और जो मेरिट लिस्ट में 170 लोगों की चयन सूची जारी हुई थी तो उन पूरे प्रकरण की जांच करेगी, जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जांच की जाएगी और जिन जिन लोगों ने जो आंसर शीट वहां पर जवाब दिए हैं उस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई करते हुए नजर आएगी। तो इस फैसले से जो छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई पर कांग्रेस सरकार ने जो बैन लगाया था, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था, उसके बाद अब जो है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री होगी और पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सियासत लगातार जारी है और खास ये तब हो भी जाता है क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे बैन किया सीबीआई को और अब एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि अगर होती है तो कब से शुरुआत होने की संभावना है। देखिए, अभी राज्य सरकार कल कैबिनेट में निर्णय लिया है तो अब राज्य सरकार एक सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगी कि जो छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई पर बैन लगाया गया था उसको हटाया जाए और जल्द ही, चूंकि कांग्रेस के जो मोदी गारंटी में ये बात शामिल की गई थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच कराई जाएगी, तो जल्द ही सीबीआई के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबने तमाम जानकारी के लिए और हमारे इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूँ आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले जिस तरह से सीबीआई की एंट्री एक बार फिर से हो रही है, खास क्योंकि जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही थी तब सीबीआई को बैन कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है सीजीपीएससी घोटाले को लेकर, अब एक बार फिर से जांच शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके तथ्य तो पहले भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पहले से आरोप लगाते थे किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अब सीबीआई आई है, मुझे विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो तथ्य यदि पुलिस के सामने नहीं रखे गए तो सीबीआई के सामने रखे गए जाएंगे और पारदर्शी ढंग से जांच होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन जो लोग झूठे आरोप कर लगा रहे थे वो भी बेनकाब हो जाएंगे। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया है, इसका स्वागत है और सीबीआई जांच होगी उससे पता चल जाएगा। हालांकि ऐसी जांच के लिए पुलिस की एजेंसियां सक्षम होती है, लेकिन सबूत जो नहीं मिले वो अब सबूत मिलने चाहिए और जो जांच है वो आगे बढ़े। हम सब यही चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से पोस्टिंग हो और आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार के आरोप सही हैं तो अपराधियों को सजा मिले।
तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कह रहे हैं डॉक्टर राकेश जी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि उस समय जो तात्कालीन ओएसडी रहे उनके रिश्तेदारों और बेटे बेटियों पर ये आरोप लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से चयन जो है वो किया गया नियुक्ति में। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता की ओएसडी के रिश्तेदारों पर भी आरोप लगा कि उनके बेटे बेटियों की नियुक्ति हुई है। तीसरी तरफ ये भी आरोप लगा कि जो अफसर थे उनके बेटे बेटियों की नियुक्ति हुई। तो कहीं ना कहीं सवाल ढेर सारे थे और बीजेपी लगातार उस पर आरोप लगाती रही है। देखिए, पहले भी अधिकारियों के रिश्तेदार और नेताओं के रिश्तेदार सेलेक्ट हुए हैं। नैतिक रूप से सबको अधिकार है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों और पारदर्शी तरीके से उनका चयन हो, लेकिन किसी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो ठीक है, जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस जांच से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। देवलाल जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि अगर जांच होती है सीबीआई की तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं क्योंकि सीबीआई की एक बार फिर से एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र था। अगर इनको दूध का दूध और पानी का पानी करना था तो सीबीआई पर लगा के 5 साल से लिखा हुआ। आज उनको जब पीएससी जैसे मामले में अगर घोटाले हुए हैं, इतनी पारदर्शिता बरते हैं कि भाई बहन चाचा भतीजे सारे रिश्तेदार कांग्रेस के आला नेता और अधिकारियों के आईएएस आईपीएस के आला नेता इन्हीं के बच्चे छत्तीसगढ़ में होशियार हैं। बाकी गांव गरीब किसान के जो बच्चे जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है उसका खामियाजा तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता दिया है। लेकिन अब उन लोग की पारी है जिन लोगों ने अपने प्रभाव से इन पदों पर भर्तियां की है, उनके लिए जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी कड़ी में ये कदम उठ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से होनहार भविष्य के जो हमारे युवा थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, उसके लिए जो भी दोषी होंगे उसे जेल तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, अब क्या कुछ होता है इस मामले में देखना होगा, कौन कौन इसके दायरे में आता है और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है और फिर इसके बाद सीजीपीएससी के बाद सीबीआई के बाद आखिरकार आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। और फिर आएगी सीबीआई, सरकार ने बड़ा कदम इसे कह सकते हैं कि माना जा सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसी के साथ तीन खबर सबकी नजर में, बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।